चैनल पर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय उलमा बोर्ड द्वारा मुंबई हज हाउस में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन संपन्न। मुंबा देवी मुंबई में अखिल भारतीय उलमा बोर्ड द्वारा मुंबई के हज हाउस में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ वजाहत मिर्जा की अध्यक्षता में एवं मुंबई के अध्यक्ष आरिफ मेमन बापू के नेतृत्व में हज हाउस में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य रूप से हजरत मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ वजाहत मिर्जा, बॉम्बे ट्रस्ट की जुमा मस्जिद के अध्यक्ष श्री मोहम्मद शोएब, स्वामी विश्वानंद जी, मुंबई रेलवे पुलिस आयुक्त कैसर खालिद, अखिल भारतीय उलमा बोर्ड राष्ट्रीय महासचिव अंजार अनवर खान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वारिस अली, भाजपा पार्षद अतुल शाह, फेम नायर, निजामुद्दीन रायन, आसिफ खत्री, सैयद अफसर अली निजामी, मुख्तार अहमद, राशिद खान ने वक्ताओं को एकता का संदेश देकर हिंदू मुस्लिम एकता कायम और भाईचारा बनाए रखने की दुआएं मांगी। बता दें कि मुंबई महानगर में लॉकडाउन के समय एक बच्चे ने 7 महीने में कुरान शरीफ पढ़कर हिफ्ज किया। जिस बच्चे ने कुरान को हिफ्ज किया उसका हाफिज बना। अखिल भारतीय उलमा बोर्ड द्वारा उस बच्चे का सत्कार व सम्मान किया गया। इस आयोजित सम्मेलन में मुंबई और महाराष्ट्र राज्य के लोगों ने अपनी उपस्थिति में महामारी कोविड-19 के दौरान काम की सराहना की गई। पूरी रिपोर्ट RNN चैनल। होते हैं अलीबे से लेकर ABCD से काफा गगा से लेकर खुदा जाने क्या क्या चीज हम पढ़ते लिखते समझते रहते हैं, और शायद अब हमारी जो समझ हो गई है वो ये हो गई है कि इल्म बुनियादी तौर से नौकरी पाने का जरिया है। मैं जिंदगी में कुछ कर लूं, मुझे कोई रोजगार मिल जाए, वो पैसे मैं कमाने के लायक बन जाऊं, तो मैंने इल्म हासिल कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि किसी फील्ड में एक्सपर्ट भी होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उस फील्ड का उनको बहुत नॉलेज होता है, लेकिन क्या वो इल्म भी हासिल किए हुए हैं? मुझे अक्सर ये सवाल जहन में आता है, इल्म क्या चीज है? पर इस शरीर में आया हूं वो मेरी याद आती है मुझे, इसलिए ये कलमा में बड़े प्यार से बोलता हूं। देखो ये हाफिज असरार भाई ने कितने दिल से वो मेरा हिंदुस्तान में ढूंढ रहा हूं। ये हिंदुस्तान है क्या, ये भी हम सबको ये अच्छा लगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो प्रोग्राम जो ग्राउंड पे होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो स्वामी जी जो भी है, कितना लोग जो स्वामी जी है वो सारा उनको लेके आके जो भी है मौलान साहब लाके एक प्रोग्राम अपन जो आने वाला दिनों में इसमें ग्राउंड में रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा। हिंदू मुस्लिम लोग एक मिलके चलना चाहिए, बहुत काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 2000 में जो 18 साल था जब भी दुबई में मुझे एक शेख करके एक कॉल आया था, वो बोले आ जाओ मेरा बहुत तकलीफ है, मैं उनका बहुत काफ़ी अच्छा किया, उन्होंने उधर मुझे घर भी दिया है, इसलिए महीने में 4 बार जाते आते रह के मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीडे ब्रिंग सा चॉइस टू प्रैक्टिस पेस ना, अपन ये जगह पे आके टेंशन दूर होते हैं, इसके लिए आज का कार्यक्रम बहुत काफ़ी बढ़िया लगा, इसके लिए अपने हिंदू मुस्लिम एक ही मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद जय महाराष्ट्र। मुस्लिम एकता के लिए आज के जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम से आप इस कार्यक्रम में आपने शामिल होकर सबको बधाई दी। आज देश के हालात कुछ नाजुक है, इस वक्त आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के हालात इसीलिए नाजुक हो रहे हैं कि जो मैसेज पहुंचना चाहिए सब तक वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है। अगर तमाम मजाहिब के लोग मिलकर मोहब्बत का और प्रेम का मैसेज आम करेंगे हर मस्जिद में, हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में और हर कलीसा में,
ये बात कही जाएगी, मज़हब के हवाले से कही जाएगी, इंसानियत के हवाले से कही जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि सुधार होगा, मोहब्बत आम होगी और नफ़रतें ख़त्म होंगी। ये काम सियासत वाले नहीं कर सकते, ये हम मोहब्बत वाले ही कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम सब मिलकर, जैसे स्वामी जी आज यहाँ मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है कि ये एक अलामती मुलाकात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मस्जिदों में भी ऐसे प्रोग्राम हों और मंदिरों में भी हों, और इसी तरह जो चर्च है उनके अंदर भी हों, गुरुद्वारों में हों। ये बात बार बार मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कही है और वादे किए गए, लेकिन अब ज़रूरत है कि उसको अच्छे पैमाने पर शुरू कर दिया जाए। इंसानियत का पैगाम अगर देना हो तो दिल से देना हो, आपने अभी अभी कहा था, तो इस संदर्भ में थोड़ी स्पष्टीकरण दीजिए, थोड़ा पहला के बताइए। देखिए, बात तो मैंने बहुत तफसील के साथ कही कि क्योंकि ये समझना चाहिए, मज़हब ने जो हमें समझाया कि जितने भी इंसान हैं दुनिया में, काले हों, गोरे हों, वो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, सब एक परिवार के हैं, इनके माँ बाप एक हैं, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। सबके अंदर जो खून दौड़ रहा है और जो उनका फिज़िकल सिस्टम है और फिर इसी तरह जो स्पिरिचुअल सिस्टम है, वो जाकर मिल जाता है। हमें ये बात समझानी है, क्योंकि जो लोग नफ़रत पैदा करते हैं और जहर को आम करते हैं, वो लड़ाना चाहते हैं, और जाहिर है कि लड़ाई से जो तबाहियाँ होती हैं, आज वो आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई में देख रहे हैं, और इससे पहले जब जब दुनिया में लड़ाइयाँ हुई तो बच्चे मारे गए, औरतें मारी गईं, बूढ़े मारे गए, इमारतें तोड़ी गईं। तो लड़ाई एक शैतानी काम है और उससे तबाही मचती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इंसानियत का भी पैगाम दें, मोहब्बत का पैगाम दें, और सही जो सच्चा मज़हब है वो समझाएं लोगों को। हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म है, बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है और इस्लाम की ही वो बात करता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम इसको, इसमें जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं, उनको सामने लाएं। तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पैगाम फैलेगा और जल्दी आम होगा, ज़्यादा उसमें देर नहीं लगेगी। आपका जो ये मीडिया है, ये आपकी बड़ी खिदमत है। आप देखिए, नौजवान किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की असल ताकत होते हैं। जब तक वो नौजवानी की ज़िंदगी में होते हैं, तो उनके पास जो एनर्जी होती है, उनके पास जो ताकत होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए वो हमारे मुस्तकबिल होते हैं, हमारा फ्यूचर होते हैं। और अगर हमने अपने नौजवानों को संभाल लिया, तो समझ लीजिए कि मुल्क को संभाल लिया, हमने अपने मज़हब को भी संभाल लिया, तहजीब को भी संभाल लिया। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा नौजवानों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें एक एजुकेशन अच्छी हो और मॉरल एजुकेशन का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाए, और जितने भी नौजवान हैं मुख्तलिफ मज़हब के, उनको आपस में बिठाया जाए, साथ खिलाया जाए, एक मेज़ पर सब बैठें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ मिल के खाएँ, जो उनके पसंद का खाना हो, जो उनके ज़ौक का खाना हो, इसको इसकी ट्रेनिंग दी जाए। अगर ये बात होती रहेगी तो वो जो परिवार का एक ख़ानदान का तसव्वुर है, ये नौजवानों में मुंतकिल हो जाएगा, और जब नौजवान उसे संभाल लेंगे, तो वे समझ लीजिए कि हमारे मुल्क का फ्यूचर अच्छा हो गया। स्वामी जी, आप क्या समझे? ऐसे ये जो कार्यक्रम जो भी है आज का कार्यक्रम हुआ है, बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हुआ है। ऐसा प्रोग्राम अपन ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए, हिंदू जो मुस्लिम जो भी है साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। हम लोग का जो साहित्य में कृता तेत्र द्वापर ये सब जाकर चलने वाले कलयुग में जो भी तकलीफ होगा, पूरा ऊपर वाले पूरा दूर करते करके संकल्प किए। आज के शुभ मुहूर्त में सायं पुण्यकाल में ये जगह में कार्यक्रम आयोजन किया, बहुत बढ़िया किया। ये जो कार्यक्रम है और ऊपर लेवल पे होना चाहिए और अच्छा लेवल पे होना चाहिए। स्वामी जी, मौलान साहब सब मिलकर ये कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए करके मेरा एक संकल्प है। बताइए, हाँ, बहुत बढ़िया किया है, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा ये जो कार्यक्रम। सवाल ये है कि आज जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए देश में शांति का जो वातावरण निर्माण होना चाहिए, इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
आप क्या संदेश देश को देना चाहेंगे? बहुत काफ़ी अच्छा है ये जो चेयरमैन जो है, ये ऐसा कार्यक्रम बहुत बढ़िया बना है, ऐसा प्रोग्राम और आगे चलना चाहिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं जो हिंदू मुस्लिम से बहुत नज़दीक मेरा जो है, इसके लिए ये बहुत अच्छा है, आगे भी अच्छा होना चाहिए और ऐसा तकलीफ नहीं आना चाहिए, साथ में मिलकर रहना चाहिए। सर, आरिफ भाई काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, गरीब बेबस मुस्लिमों की भी काफ़ी वो मदद करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो बहुत अच्छा है, मेरा जो उनका जो रिलेशन बहुत बढ़िया है, वो ऐसा इंसान नहीं है क्योंकि दिल से बहुत बड़ा है, इसके लिए वो बहुत आगे लेके जाएंगे, मुझे पता है आगे बहुत लेके जाएंगे। मकसद था हमारा कि इंसानियत के नाम मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत से मुराद जो है वो किसी मज़हब किसी धर्म के लिए नहीं था, इंसानियत के लिए थी। और आरिफ भाई की जो कोशिश है उस कोशिश को लेकर इंशाल्लाह आगे चलेंगे और इस पैगाम को पूरे आलम में फैलाने की कोशिश करेंगे। आमीन। सर आज के दौर में देखा जाए कि जैसा दौर चल रहा है, वैसे दौर में ऐसा एक प्रोग्राम करना क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो हम मुस्लिम हैं, मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर एक बायोलॉजी एक शरीयत है, और वो शरीयत ये चीज़ सिखाती है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत, और इस मुल्क के जो कवानीन हैं वो हमको ये सिखाते हैं कि अपनी शरीयत पे चले। तो इस तरीके के प्रोग्राम जो है हर मज़हब के लोगों को मिलकर करना चाहिए, ताकि हर मज़हब का जो एक पैगाम है इंसानियत के नाम मोहब्बत का, वो लोगों तक के जाए और उसके ऊपर एक बेहतरीन बेहतरीन मुल्क के अंदर हमारे फिज़ा बने, और आने वाले वक्तों के अंदर पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक मिसाली मुल्क बनकर उभरे। सर, आमतौर पर देखा गया है कि जो युवा एजुकेटेड